मध्य प्रदेश में इस वर्ष विधानसभा चुनाव और देश में अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने लिए सीट खोजने और एक्टिव रहने में जुटते हुए नजर आने लगे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर असमंजस की स्थिति देखी जा रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी अशोकनगर संसदीय सीट से कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में अप्रत्याशित रूप से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव ने सिंधिया को लगभग 1.25 लाख वोटों से हराया था। वैसे तो यह सीट सिंधिया परिवार के लिए सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीट मानी जाती थी, लेकिन पहली मर्तबा सिंधिया परिवार के किसी सदस्य को यहां से हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं कांग्रेस से नाराज होकर सिंधिया ने अपने खेमे के विधायकों को साथ लेकर कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और भाजपा ने पुरस्कार स्वरूप ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सांसद और बाद में केंद्रीय मंत्री बनाया था। अब जबकि एक बार फिर चुनावी माहौल है तो ये चर्चाएं चल रही है कि सिंधिया अब किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गुना सीट से केपी यादव ने 1.25 लाख वोटों से जीत कर इतिहास रचा था। ऐसे में भाजपा उनका टिकट अब भला क्यों काटेगी, और यदि केपी यादव ही यहां से एक बार फिर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी होते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या होगा और वह कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चाओं का विषय है।